हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और गाइस कैसे हो यार? आप देखो यार, कैसी कैसी इंडियन कार्स आज ले आए भैया। इंडियन कार्स वर्सेस यहाँ पे अमेरिकन कार्स का भैया क्रैश टेस्ट और एसयूवीज कार है, सभी देख लो भैया कितनी जबरदस्त कार है। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। तो भैया ये है अपनी स्कॉर्पियो S11 और भैया साथ में खड़ी है मेरी मोस्ट फेवरेट कार जो कि है हमर H2। और भैया कितनी भारी भरकम कार है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो कितनी बढ़िया इंटीरियर, और भैया इंटीरियर में आपको दिखाऊंगा जब हम क्रैश टेस्ट करेंगे। तो भैया दोनों कार को भिड़ाएंगे, स्कॉर्पियो और अपनी हमर को, फिर भिड़ाएंगे भैया हमारी स्कॉर्पियो N वर्सेस यहाँ पे GMC दिनाली यूकन दिनाली। भैया यहाँ पे इंटीरियर इसका भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है यार। और सबसे लंबी कार आज के कलेक्शन की ये है, और सबसे बड़ी कार हमारी हमर है। वैसे से ऊँची थोड़ी सी ये स्कॉर्पियो लग रही है, बट ऐसा नहीं है। और भैया साथ में खड़ी है हमारी अपनी XUV700 महिंद्रा की तरफ से आने वाली। देख सकते हो गाइस इंटीरियर काफ़ी ज़बरदस्त और क्या ही बढ़िया ब्लू कलर में लग रही है। और भैया यहाँ पे खड़ी है अपनी कैडिलैक एस्केलेड, और भैया साथ में खड़ी है अपनी महिंद्रा थार। और भैया महिंद्रा थार की बिल्कुल सेम कॉपी, या फिर कहो यार महिंद्रा थार इसकी कॉपी है जो कि है जीप रेंगलर। और भैया कितनी ज़ोबा बड़ी है यार, 3-door है ये, और पीछे हुक भी लगी है। और ऐसा लग रहा होगा कि थार से बढ़िया, बट ऐसा नहीं है, ये थोड़े से ना लिफ्ट किए गए हैं, व्हील्स थोड़े बड़े हैं तो इसीलिए ऐसा लग रहा है, वैसा कुछ नहीं है वरना। तो भैया ऊपर से छत बिल्कुल सेम ही है, बट नीचे से थोड़ी सी अपलिफ्ट करिए, बट अगर आप देखोगे हाइट बिल्कुल छत तक थोड़ी सी बड़ी है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है फ़र्क। तो शुरू यहीं से कर लेते हैं, रैंगलर से शुरू करते हैं भैया, रैंगलर को चलाते हैं और भैया अपनी थार के साथ में ठोक देंगे, और फिर पता चलेगा गाइस कौन सी कार की बिल्ड क्वालिटी सबसे बेस्ट है। मेरे ख्याल से थार की बिल्ड क्वालिटी जो है ना काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। और बाकी देख लेते हैं हम टेस्ट के पहले, कुछ कह नहीं सकते यार, कितने बढ़िया ऑफ रोडिंग व्हील्स हैं भैया, कहीं पर चढ़ जाए ना ये कार मतलब रुकेगी नहीं भैया बिल्कुल भी। बाकी यार इसकी ग्रिल ना यार लोग चेंज पता नहीं क्यों करते हैं, थार की ग्रिल जो है थार की चेंज करके यार ये वाली जीप की ग्रिल लगा लेते हैं। मुझे ज़्यादा थार की अच्छी लगती है यार, इससे तो इसका मुँह सा बिल्कुल और सा लगता है, डल सी ग्रिल लगती है यार, इससे अच्छा तो थार की है। वैसे चलो कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग चॉइस है। यहाँ पर हमारे सामने खड़ी है महिंद्रा थार, और भैया हमने यहाँ पर कर दिया है क्रैश, और भाई बिल्कुल साथ में लगा के देखते हैं बिल्कुल थार के, और भैया साथ के साथ कंपैरिजन करते रहेंगे ताकि गाइज हमें रिजल्ट बढ़िया आते रहें। और भैया बिल्कुल साथ में चिपका के खड़ी करता हूं, और फिर देखते हैं रिजल्ट, और गाइज नंबर देंगे, देखते हैं कौन सी कार विनर रहती है। बट आप सबसे पहले बता दो यार इंडियन कार्स विनर रहेंगी या फिर अमेरिकन कार्स, और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। और भैया देख सकते हो अपनी जीप रैंगलर की ग्रिल जहाँ पे जो है बम्पर, और भैया ये सामने वाला हिल चुका है पूरा स्टाइल, और भैया उधर अपनी महिंद्रा थार के कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ यार, बम्पर तक बैंड नहीं हुआ जबकि इसके ग्रिल बैंड हो चुकी जहाँ से। और भैया सामने से देख सकते हो कितना डैमेज है, तो भी ज़्यादा डैमेज तो नहीं है बट बिल्कुल माइनस डैमेज है, बट थार के वो भी नहीं है, तो इसके लिए ये पॉइंट जाता है इंडियन कार को। और भैया फिर आती है अपनी कैडिलैक एस्केलेड और यहाँ पे XUV700, और भैया शुरू करते हैं यहाँ से। और भैया XUV700 कितने ज़्यादा बढ़िया लग रही है यार, देख रहे हो गाइस इंटीरियर काफ़ी सच में काफ़ी बढ़िया यार, और पीछे का भी देख लो यार ऐसा कुछ सिस्टम है। और भैया अडास फीचर वाली SUV देखते हैं हरा पाएगी या फिर नहीं कैडिलैक एस्केलेड को। और भैया कितने बढ़िया स्टाइल यार स्टाइल के साथ आती है, और पीछे वाली शेप भी बढ़िया लगती है यार इसकी, काफ़ी बढ़िया मतलब यार इलेक्ट्रिक कार की फील आती है, बट इलेक्ट्रिक है नहीं ये, और अलॉयज भी डायमंड कट लग रहे हैं मेरे को तो, बाकी पता नहीं भैया। और सामने से देख पा रहे हो भैया क्रैश टेस्ट करने वाले हैं अपनी कैडिलैक एस्केलेड अमेरिकन कार है भैया, और भाई साहब अमेरिकन कार के पर खच्चे उड़ा दिए अपनी इंडियन कार ने। मैं दिखाता हूँ कैसे भैया, उसका बॉनेट मुझे लग रहा है खुल गया है पहले ही, मैं बिल्कुल साथ लेके जाता हूँ पार्क करता हूँ भैया, फिर कंपैरिजन करते हैं दोनों का। और भाई ये लो, हालांकि ये कार काफ़ी छोटी है XUV700 हाइट वाइज में भी अगर देखें तो, भैया फिर भी देखते हैं कौन सी कार बेस्ट रही है। और ये रही है अपनी XUV700 का डैमेज बहुत कम है, बट यहाँ पर कैडिलैक एस्केलेड भाई साहब ऐसा लग रहा है कहीं पोल पर वीडियो, भैया पूरा सामने ग्रिल उखड़ चुकी है, बम्पर ऊपर हो चुका है, शेप बिगड़ चुकी है, देखोगे गाइस शेप बिगड़ चुकी है इसकी पूरी, और XUV700 के बिल्कुल माइनर डैमेजेस आए हैं, इसलिए फिर से एक पॉइंट इंडियन कार्स को जाता है। इसी के साथ अमेरिकन कार्स के अभी तक 0 पॉइंट है। और भैया फिर है अपनी स्कॉर्पियो N वर्सेज यूकन दिनाली, और GMC की तरफ से आती है। और भैया मेरे ख्याल से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो भैया यहाँ पर अपनी ये भी GMC की है अपनी यूकन दिनाली, और हमर भी GMC की है, और भैया लिंकन भी कैडिलैक तो नहीं है मेरे ख्याल से, लिंकन नेविगेटर आती है भैया वो भी GMC की है, मतलब GMC का काफ़ी बड़ा हाथ है भैया अमेरिकन मार्केट में। तो भैया यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया कार है यार ये भी, और लंबी भी बहुत ज़्यादा है, और इंटीरियर तो यार क्या ही लाजवाब है ये वाली कार, यानी कि ये GMC दिनाली, और भैया यहाँ पे कैडिलैक एस्केलेड और भैया लिंकन नेविगेटर काफ़ी तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं।
बट गाइज आप बताओ यार अपनी इंडियन कार्स कितनी बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगी, देखते हैं गाइज। अभी तक इंडियन कार्स ने 2 स्कोर किया है और 0 कार्स, 0 स्कोर किया अपनी अमेरिकन कार्स ने, जीएमसी पीछे लिखा हुआ दिनाली, देखते हैं कौन जीता है। फिलहाल हमारे स्कॉर्पियन के साथ टक्कर होने वाली है, स्कॉर्पियन काफ़ी बढ़िया कार है और बुकिंग तो भैया इसकी रिकॉर्ड तोड़ा है। और भाई यार ये क्या हो गया यार, अपनी जीएमसी ठुक तो चुकी है बट ये पोल के साथ टक्कर आ गई और स्कॉर्पियन पीछे चली गई। अभी देखते हैं किस में ज़्यादा डैमेज आया है भैया, और मैं बिल्कुल साथ के साथ खड़ी करता हूँ। और देख रहे हो गाइस दिनाली कितनी लंबी कार है यार, नाम भी बड़ा अच्छा है दिनाली। चलो कोई बात नहीं, स्कॉर्पियो एन भैया खुद में एक ब्रांड है, स्कॉर्पियो एन भैया देख सकते हो कितना ज़बरदस्त डैमेज आया है भैया यहाँ पे। और भाई यहाँ पे तो बिल्कुल एक स्क्रैच ही आया है हेडलाइट के पास, बट यहाँ से अंदर जा चुकी है ग्रिल थोड़ी बहुत बम्पर। बट गाइस इधर दिनाली की इधर वाली साइड भी तो कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, बट ये वाली साइड भी पूरी भिड़ चुकी है। मेरे ख्याल से दोनों को इक्वल पॉइंट जाने चाहिए, क्योंकि इधर वाली में भी ज़्यादा डैमेज नहीं आया, वैसे तो कम इसमें आया है, इसमें ज़्यादा आया, बट दोनों को इक्वल पॉइंट देने चाहिए गाइज यार। तो इसी के साथ अमेरिकन कार्स का खाता खुल चुका है, 1 पॉइंट हो चुका है, और इंडियन कार का यहाँ पे हो चुका है 3 पॉइंट। और भैया मेरी फेवरेट कार यहाँ पे हमर H2, और भैया फेवरेट स्कॉर्पियो भी है भैया, काफ़ी ज़बरदस्त H2 और स्कॉर्पियो का जोड़ा। बट गाइज यार देखते हैं हमर जीत पाएगी या फिर नहीं, कितनी भारी भरकम है भैया, वेट से पता लग रहा है यार क्या ही धमाकेदार कार है। और भैया इंटीरियर देखोगे तो कितना बढ़िया क्लीन वेल मेंटेन्ड इंटीरियर है भैया, कितना बॉक्सी डिज़ाइन यार, यही स्कॉर्पियो को खास बनाता है और यही बॉक्सी डिज़ाइन जो है हमर को भी खास बना रहता है। बाकी यार आप बताओ आप कौन सी चूज़ करोगे, हमर या फिर स्कॉर्पियो S11? तो भैया यहाँ पे देख सकते हो अपनी हमर जा रही है कितने बढ़िया शॉट से, और भाई सामने देख सकते हो भैया सामने खड़ी है अपनी स्कॉर्पियो S11। भैया ये सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट होने वाला है गाइज, देखते हैं कौन सी कार विनर रहती है। और भाई ये लो, ओ गाइज ठोक दी भैया, ठोक दी स्कॉर्पियो S11 तो ठोक दी, बट अभी हमर को बिल्कुल पास खड़ा के देख लेते हैं। हमर के भी बैंड तो आया है थोड़ा बहुत भैया, कार ही तो है एटलीस्ट यार, बैंड तो आना ही था। तो भैया हमर से उतर के देखते हैं कितना बैंड आया है भैया अभी। और भाई साहब ये देख लो भैया यहाँ पे हमर थोड़ी सी अंदर घुस चुकी है ग्रिल, और बाकी ज़्यादा डैमेज नहीं आया इसमें। और भैया इसका बोनट ज़्यादा डैमेज क्यों नहीं आया यार, इसका बोनट तो नहीं खुला, हाँ नहीं नहीं यार खुल चुका है यार, थोड़ा बहुत ऊपर उठ चुका है, देखो इतना नहीं होता, थोड़ा नीचे होता है, इसका बोनट खुल चुका है गाइस, इसका उल्टा होता है आपको पता ही होगा यार। और उधर अपनी स्कॉर्पियो S11 का बोनट भी नहीं खुला, और सामने से डैमेज भी लगभग उतना ही आया जितना, वैसे थोड़ा सा ज़्यादा आया हमारे H2 से, बट उतना ही हमारे H2 के बोनट खुल गया। तो यार हालांकि विनर इंडियन कार्स ही हैं। बाकी यार आप बताओ यार कौन सी कार आपको सबसे बेस्ट लगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।